हाय फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप लोगों के पास रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स डिवाइस है तो फाइनली आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एंड्रॉयड 11 अपडेट के बारे में। दोस्तों अगर आप लोगों के पास रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स डिवाइस है तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखना। मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि कब तक हमारे डिवाइस के अंदर एंड्रॉयड 11 की अपडेट आ सकती है। साथ ही साथ यहाँ पे अपडेट जो है वो ऑलमोस्ट रिलीज हो चुका है, तो कौन सी कंट्री में अपडेट देखने के लिए मिली है, इंडिया में कब देखने के लिए मिलेगी, काफी सारे यूजर्स यहां पे वेट कर रहे हैं यार। और Xiaomi वाले अपडेट जो है वो इंडिया में अभी तक रिलीज नहीं किए हैं, तो इंडिया में अपडेट कब देखने के लिए मिल जाएगी, आज की इस नई वीडियो में मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देख लीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किया यार तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली यहाँ पे Redmi Note 9 Pro Max के लिए एंड्रॉइड 11 की अपडेट जो है वो रिलीज हो चुकी है। बट गाइस, ये अपडेट हमें आउट ऑफ इंडिया देखने के लिए मिल जाती है। ये अपडेट ग्लोबली रिलीज की गई है, एंड आप लोगों को बताना चाहूंगा कि Redmi Note 9S ग्लोबल वेरिएंट जो देखने के लिए मिल जाती है वो यहाँ पे इंडियन वेरिएंट से लॉन्च किया गया है Redmi Note 9 Pro Max की डिवाइस नाम से। ऑलमोस्ट यहाँ पे Redmi Note 9S के लिए एंड्रॉइड 11 की अपडेट रिलीज हो चुकी है MIUI 12.0.2.0 के साथ, और ये अपडेट हमें पब्लिकली देखने के लिए मिल जाती है। इट मींस कि गाइस, यहाँ पे पायलट यूजर्स को ये अपडेट देखने के लिए नहीं मिलती है, काफी सारे यूजर्स को ऑलमोस्ट अपडेट देखने के लिए मिल चुकी है। एंड आप लोगों को एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि आउट ऑफ इंडिया अपडेट जो है वो गाइस पब्लिकली रिलीज हो चुकी है, और यहाँ पे तकरीबन 80-90% यूजर्स को ऑलमोस्ट अपडेट देखने के लिए मिल चुकी है। तो गाइस, यहाँ पे इंडिया में भी बहुत ही जल्द अपडेट देखने के लिए मिल सकती है। इसी जून मंथ का आप लोगों को करना पड़ेगा वेट, और फाइनली इसी जून मंथ में Redmi Note 9 Pro Max के अंदर Android 11 की अपडेट देखने के लिए मिल जाएगी, जिसमें आप लोगों को लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच प्रोवाइड कराया जाएगा, काफ़ी सारे बग्स भी फिक्स किए जाएंगे, और फाइनली यहाँ पे Android 11 भी देखने के लिए मिलने वाली है। तो गाइस, अगर आप लोगों के पास Redmi Note 9 Pro Max का डिवाइस है तो आप लोग इतने दिन से ऑलमोस्ट वेट कर चुके हो, और फाइनली मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इसी जून मंथ में कन्फर्म आप लोगों को Android 11 की अपडेट देखने के लिए मिल जाएगी। तो आप लोगों को यहाँ पे एंड जून तक का वेट करना पड़ेगा, और आप लोगों के डिवाइस के अंदर एंड्रॉइड 11 की अपडेट मिलने वाली है। तो आज की इस नई वीडियो में यही कुछ इन्फॉर्मेशन थी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर देना, और चैनल पे पहली बार विजिट किया यार तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस जरूर कर दीजिएगा।